नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 4 अगस्त। कल के सेशन में एग्री डेस्क में हमने करीबन 1% की तेजी आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है पूरे ही एग्री पैक में एक शानदार रिकवरी दिखाई दी हो। तो वैसा ही हमने देखा कल के सेशन में, हमने पूरे ही एग्री पैक में एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी। खाली मस्टर्ड और जीरे को छोड़कर सभी काउंटर में एक भयंकर तेजी हमने देखी है। सबसे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें, जिस से हमने महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में बारिश कम होते हुए देखा, और साथ में इंटरनेशनल में भी हमने देखा जिस ढंग से सोया के प्राइसेस में दबाव है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता था कि एक हायर साइड पे जाने के बाद प्राइसेस में दबाव मिल सकता है। बट ओवरऑल हमें लगता है लोकल जो फैक्टर थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, जिस ढंग से मानसून में थोड़ी सी ढिलाई हुई है वो सोयाबीन को सपोर्ट कर, बट फिर भी क्रॉप साइज को देखते हुए 3850 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो आज तेजी रह सकती है, बट 3850 का लेवल छूने के बाद एक गिरावट रहेगी, जबकि रिफाइंड सोया ऑयल CPO दोनों ही काउंटर में हम तेजी देख रहे हैं, जो करीबन 750 तक का लेवल CPO में और 880 का लेवल तोड़ने पे 890 तक का लेवल हम रिफाइंड सोया ऑयल में देख पाएंगे। मस्टर्ड में प्राइसेस में दबाव है, बट जिस दिन से हमने रैली की एक्सपेक्टेशन रखी थी 5000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। टेक्निकली प्राइसेस में आज दबाव हो सकता है, जो 5000 का लेवल तोड़ के 4980 तक का लेवल मिले वहां पे हमें लेके चलना है। प्राइसेस में अभी भी रुझान तेजी का ही है। कैस्टर भी काफी टाइम हो चुका है मार्केट में, बड़ी तेजी नहीं आ पा रही है। जब तक 4050 के ऊपर कैस्टर नहीं निकलता है, 3900 से 4050 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मसालों में कल हमने हल्दी के अंदर 2% की तेजी देखी थी, धनिया में भी हमने 1.25% से ज्यादा की तेजी देखी, जबकि जीरे में हायर क्रॉप के चलते प्राइजेस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। बट हाँ, 14000 का लेवल काफी सपोर्टिव है। अनलेस एंड अंटिल 14000 का लेवल तोड़ता नहीं है, पॉसिबल है कि हम 14300-350 तक का जंप फिर से हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं चाइना 4100 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग जरूर है, बट जब तक 4180 के ऊपर नहीं निकलता है प्राइजेस दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स धीरे धीरे बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, काउंटर स्ट्रांग है बट 1800 के ऊपर तोड़कर होल्ड करता है तो 1840-50 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, वहां तक दिखने मिल जाएगा। जबकि गवार सीड गवार गम दोनों ही काउंटर में हमने बेतहाशा तेजी देखी कल के सेशन में, आज काफी क्रुशियल रहेगा। अगर आज 4000 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हम 4180 का अगला पड़ाव गवार सीड के लिए और 6600 का लेवल गवार गम का देख पाएंगे। मैंथ ऑयल में लॉन्ग टर्म प्लेयर बाय करके चलिए 1100-1150 के टारगेट के लिए। CPO में अभी भी तेजी का रुख है, जो 750 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन में भी तेजी रहेगी, जो 16300-350 का लेवल दिखा सकता है। चार्टिकली कॉटन सीड ऑयल के एक स्ट्रॉन्ग दिखा जरूर आया, बट 1800 का लेवल मेंटेन करने पे हम 1860 तक का लेवल देख पाएंगे। चेने में जब तक 4150 के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी एक दायरे में रहेंगे, बट ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस 4180 का है। 4180 के ब्रेकआउट पे ही हम 4240 से लेके 4300 तक का लेवल फिर से देख पाएंगे। मस्टर्ड में काफी शानदार रिकवरी हमने देखी है, ब्रेकआउट देखा है जो 5200 तक का लेवल दिखा रहा है, तो आज की इस गिरावट में हमें मस्टर्ड फिर से लेके चलना चाहिए, जो 5200 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। CPO में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो अभी भी तेजी का रूप दिखा रहा है, जो इंटरनेशनल में 2860 तक का लेवल हम BMD CPO में देख पाएंगे। आज सभी ट्रेडर्स के लिए वेबिनार का हमने सेकंड सेशन रखा है, जिसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर बताएंगे जो कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करता है। तो आज 4 बजे इसे बिल्कुल अटेंड कीजिए, नीचे दिए हुए लिंक पर रजिस्टर कर दीजिए, सो डेट आप 4 बजे हमसे कनेक्ट कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।